बात करेंगे आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि इस बार जॉली एलएलबी के तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार और अर्षा वासरी लीड रोल में एक साथ दिखाई देंगे। और अब कुछ रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर ने इस फिल्म के स्क्रिप्ट का काम खत्म कर दिया है और अब प्री प्रोडक्शन का काम शुरू होने वाला है और फिर अगले साल के स्टार्टिंग से पार्ट 3 की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। दूसरी अपडेट दे दे प्यार दे के पार्ट 2 को लेकर है। तो अब कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि अजय देवगन और लव रंजन साल 2019 में इनकी सुपरहिट फिल्म दे दे प्यार दे के दूसरे पार्ट पर जल्द काम शुरू करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करा जा रहा है और एक बार फिर वही पुरानी स्टार कास्ट बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी और साल 2024 के स्टार्टिंग में पार्ट 2 का शूट शुरू हो सकता है। तीसरी अपडेट ओजी को लेकर है। तो पवन कल्याण की आने वाली पैन इंडिया फिल्म ओजी का टीजर 2 सितंबर को रिलीज होगा। आपको बता दूं कि ओजी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट प्रभास की साहू फिल्म के डायरेक्टर सुजीत कर रहे हैं और इस मूवी में पवन कल्याण के अपोजिट विलन के रोल में इमरान हाशमी नजर आएंगे और ये फिल्म अगले साल के शुरुआत में रिलीज हो सकती है। चौथी अपडेट भूल भुलैया 3 को लेकर है। तो कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि डायरेक्टर अनिस बाजमी शाहिद कपूर के साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं, मगर अब कहा जा रहा है कि कुछ कारण की वजह से इस फिल्म को बंद कर दिया गया है और अब अनिस बाजमी अपना पूरा ध्यान भूल भुलैया 3 पर लगा रहे हैं। अभी फिल्म की कहानी और प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है और अगले साल फरवरी से इस मूवी की शूटिंग शुरू भी हो जाएगी। और बात करें पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, तो एसआरके की जवान का ट्रेलर 31 अगस्त को रिलीज करा जाएगा और ये ट्रेलर दुबई के बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा। इससे पहले उनकी पठान का ट्रेलर भी बुर्ज खलीफा पर ही रिलीज हुआ था। तो अब देखना होगा कि आखिर जवान का ट्रेलर फैंस को पसंद आता है या नहीं। वैसे आप जवान के ट्रेलर को देखने के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट में बताना। क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी।